मोदी का मिजाज भी अलग है, मेहनत भी अलग है और मिशन भी अलग है। देश के इतने बड़े नेता प्रधानमंत्री जी आए थे, वो लिफाफा डाल के गए हैं। लिफाफा खोला, 21 रुपए निकले। मेरे लिए देश से बड़ा, देशवासियों से बड़ा कुछ भी नहीं है। मैं अभावों में रहा हूं, लेकिन अपने देश को अभावों में नहीं रहने दूंगा। २०२३ के मंच पर २४ का पर्दा अभी आधा खुला है। सीट वीट, टिकट पर विकट और दांव सांव सब आजमाए जाने लगे हैं। २३ के पांच राज्यों के रण में दो महारण हैं, एक मध्य प्रदेश और दूसरा राजस्थान। और 2023 में राज्यों के घमासान में कांग्रेस के निशाने पर हैं पीएम मोदी। वार सच और झूठ, सत्य और असत्य, काले और सफेद के जुबानी जमा खर्च से किए जा रहे हैं। पीएम मोदी पर ऐसा ही एक जुबानी वार गांधी परिवार की नेता और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने राजस्थान में किया। सुनिए जब प्रियंका ने कांग्रेस की राजनीति का पहला लिफाफा खोला। मैंने टीवी पे देखा, पता नहीं सच है कि नहीं, देवनारायण जी के मंदिर में शायद गए थे कुछ समय पहले और एक लिफाफा डाला है। अब मैंने टीवी पे देखा कि 6 महीनों बाद वो प्रधानमंत्री जी द्वारा डाला गया लिफाफा खोला जा रहा है। राजस्थान के दौसा में कांग्रेस के सत्ता सत्संग में प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के देवनारायण मंदिर में किए गए दान की कथा सुनाई, जिसमें वो एक लिफाफे का जिक्र करती है। कथा आगे बढ़ी तो प्रियंका ने कथित न्यूज के हवाले से आगे बताया, जनता सोच रही है कि भगवान जाने क्या होगा इस लिफाफे में। देश के इतने बड़े नेता प्रधानमंत्री जी आए थे, वो लिफाफा डाल के गए हैं। लिफाफा खोला, 21 रुपए निकले। एक तरह से यही हो रहा है देश में। घोषणाएं बड़ी बड़ी, मंच पर खड़े होकर कैसे कैसे लिफाफे दिखाए जा रहे हैं आपको, और जब आप उन लिफाफों को खोलते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाता है और बारी आती है कि काम करके दिखाओ, तो कुछ नहीं होता। तो प्रियंका ने जो कथा सुनाई उसमें एक पक्ष ही उन्होंने बांचा, अब पूरा पक्ष भी सुनो। पीएम मोदी इसी साल 28 जनवरी को भीलवाड़ा के देवनारायण मंदिर गए थे। प्रधानमंत्री ने दर्शन पूजन करने के बाद दान पेटी में दान दिया था। 9 महीने बाद मंदिर की दान पेटी खोली गई। अफवाह ये उड़ाई गई कि पीएम मोदी के लिफाफे में सिर्फ 21 रुपए थे, लेकिन सच ये था कि पीएम मोदी ने लिफाफा नहीं, कैश दान पेटी में डाला था। ये वो वीडियो है जो साफ तौर पर बताता है कि पीएम मोदी ने देवनारायण मंदिर की दान पेटी में किसी लिफाफे के जरिए नहीं, बल्कि कैश के जरिए दान किया था। तस्वीरों में आप नोटों को देख सकते हैं। ये बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि देवनारायण मंदिर की दान पेटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे 2100 रुपए डाले थे। फिर क्या वजह थी कि प्रियंका गांधी ने खुले मन से इस घटना का जिक्र फिर से किया? क्या ये बीजेपी के हिंदू वोटर्स को प्रभावित करने का तरीका था? सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या इस तरह की झूठी खबरों को लेकर कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करना चाहती है? तो क्या कांग्रेस श्रम के बजाय भ्रम फैलाकर सत्ता साधने की जुगत में जुटी है? क्या मोदी की छवि को ही एक तरह से कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, वो भी एक मंदिर में किए गए दान के नाम पर फैली अफवाह के दम पर? सत्ता के लिए तड़पती कांग्रेस लगातार एक के बाद एक हमले मुद्दों को लेकर नहीं, मोदी की छवि पर सीधे प्रहार करके कर रही है। फिर चाहे वो 21 रुपए के दान वाली अफवाह हो या फिर मोदी को एंटी मुस्लिम और पूंजीपतियों के लिए काम करने वाला बताने की बात हो, पिछड़ी जातियों के खिलाफ होने के आरोप हो या फिर मोदी की सनातनी हिंदू छवि पर सवाल हो, देश से लेकर विदेश तक
ऐसे एजेंडे खूब ताने जा रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस, दीज आर डिस्ट्रैक्शंस। द रियल इश्यूज इन इंडिया आर अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, स्प्रेड ऑफ एंगर एंड हेट्रेड, क्रम्बलिंग एजुकेशन सिस्टम, प्राइस ऑफ एजुकेशन, प्राइस ऑफ हेल्थ केयर, दीज आर द रियल इश्यूज। बीजेपी कांट रियली डिस्कस दम, सो देन दे हैव टू डू द होल स्केप्टर थिंग, यू नो, लाइंग डाउन एंड डूइंग ऑल दैट। वैसे कांग्रेस का जुबानी हमले करके माफी मांग लेने का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। 2014 के चुनाव में आरएसएस पर हमला हो या फिर 2019 में राफेल डील पर बनाया गया सियासी बवंडर, दोनों ही मामलों में राहुल गांधी को बैकफुट पर आना पड़ा। 2019 में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए चौकीदार चोर है का जो नारा लगाया था, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने 3 बार माफीनामा दिया था। आखिरी माफीनामे में बिना शर्त अपने इस गलत बयान के लिए राहुल ने माफी मांगी थी। इसी तरह 2014 के चुनाव में भी राहुल गांधी ने चुनावी मंच से कहा था आरएसएस ने गांधी को मारा। मामला दर्ज हुआ, 2 साल केस चला, तो 2016 में सुप्रीम कोर्ट में राहुल ने अपना बयान वापस ले लिया। कोर्ट ने राहुल को ऐसे बयानों से बचने की नसीहत दी थी। तो क्या माफी का ये चैप्टर इस बार प्रियंका गांधी के लिए भी खुलेगा? क्योंकि प्रियंका के चुनावी मंच से मोदी की छवि पर किए गए सीधे हमले से बीजेपी गुस्से में है। प्रियंका के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की जा चुकी है। हमने चुनाव आयोग को कहा है कि इनकी सभाओं को पर प्रतिबंधित करें, सारा वीडियो देखकर इनको नोटिस जारी करें, क्योंकि जब तथ्यों के आधार पर कोई बात बोली जाती है और उसमें असत्य होता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी वक्ता के पर रहता है, और मुद्दों के अलावा मुद्दा वहीन बात करना कांग्रेस के नेताओं को आदत बन गई। इसलिए आज चुनाव आयोग को हमने आयुक्त को ज्ञापन देकर ये सारी बातें कही। सवाल सीधा है, अगर कांग्रेस अपने गवर्नेंस मॉडल पर राजस्थान में चुनाव लड़ रही है तो फिर मोदी पर सीधे हमले करने का मतलब क्या है? क्यों मोदी पर हमले करना कांग्रेस की मजबूरी है? क्या राजस्थान के गवर्नेंस मॉडल पर कांग्रेस को भरोसा नहीं, या मोदी की सनातन के प्रति आस्था वाली छवि तोड़ने की कोशिश है? कांग्रेस और विपक्ष को पिछले 9 सालों में ऐसा कोई मुद्दा नहीं मिला जिस पर मोदी सरकार को घेरा जा सके। पीएम मोदी की देश के विकास से लेकर करप्शन तक पर जीरो टॉलरेंस की नीति विपक्ष के लिए सबसे बड़ी परेशानी है। तो क्या यही वजह है कि तमाम कोशिशें इस छवि पर डेंट करने के लिए है? ऐसी ही भीड़ और भावनाओं को देखकर कांग्रेस ये बात बखूबी समझती है कि मोदी कल्ट को काउंटर करना सिर्फ मुद्दों के भरोसे आसान नहीं। अगर मोदी के 9 साल के कामकाज को देखें तो एक भी करप्शन के आरोप उन पर नहीं लगे हैं, जबकि इसकी तुलना में 2014 के पहले यूपीए के 9 साल के कामकाज में 9 बड़े घोटाले सामने आए थे। रही बात मोदी पर मुस्लिम विरोधी होने के आरोपों की, तो इसका सच भी मोदी सरकार की योजनाओं की पहुंच पर खुद देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बताते हैं। पहले तो मैं मोदी जी का शुक्रिया अदा करती हूं, और सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहती हूं कि हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत सी अच्छी सहूलतें पैदा की हैं मोदी जी ने, मसलन स्कॉलरशिप वगैरह, और पढ़ाई पर ज्यादा जोर दिया है। जो मोदी जी ने वादा किया था सबका साथ सबका विकास, उस पर मोदी जी पूरी तरह से खड़े उतरे हैं। ये 3 सपने लोगों के होते हैं, रोटी कपड़ा और मकान। मुसीबत में खाना फ्री मिला है, अच्छा जी, और इलाज फ्री मिल रहा है, 5 लाख तक का बीमा है, और लोगों को मकान फ्री मिल रहे हैं। टेंडर मिला है जी, और हमारे गांव में मकान बने हैं, और कोटा भी मिल रहा है, राशन मिल रहा है, और सबसे बढ़िया बात यह पूर्ण अमन है, कहीं भी चले जाओ, किसी वक्त चले जाओ, कोई परेशानी नहीं होती। यही गवाहियां करीब 10 साल से सत्ता का वनवास झेल रही कांग्रेस को ही नहीं बल्कि दूसरी विपक्षी पार्टियों को भी परेशान कर रही है। लिहाजा मोदी की छवि पर सीधे हमले करने के जतन चौतरफा है, और इसी लिस्ट में एक और नया नाम शामिल हुआ है, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का।
पीएम मोदी की छवि को खराब करने का ठेका लेने का आरोप टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर भी लगे हैं। तो क्या बड़े सधे तरीके से मोदी की छवि को खराब करने के लिए ताना बाना बुना जा रहा है? महुआ पर आरोप बेहद गंभीर है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में अभी तक 61 सवाल पूछे हैं, जिसमें से 50 सवाल अडानी ग्रुप से जुड़े थे। महुआ मोइत्रा के खिलाफ मामला अब संसद की एथिक्स कमेटी को भेज दिया गया है। निशिकांत दुबे के आरोपों में सबसे ताजा और गंभीर आरोप ये भी है कि महुआ भारत में थी तो उनकी लोकसभा आईडी दुबई से लॉगिन हुई थी। खास बात यह है कि इसी मामले में बड़ा दावा उद्योगपति दर्शन हीरा नंदानी ने किया है कि महुआ मोइत्रा ने अडानी ग्रुप के मामले में गौतम अडानी को निशाना इसलिए बनाया ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब किया जा सके। तो चाहे महुआ हो या फिर प्रियंका, सबके निशाने पर पीएम मोदी की छवि है, क्योंकि अगर ये खंडित होगी तभी विपक्ष के लिए 2024 में कोई गुंजाइश बनेगी, वरना माफी का क्या है? अगर बात फंसी तो मांग लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।